हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनीता शर्मा। वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस की प्रिपरेशन करते टाइम 90% स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं। वो गलतियां कौन सी है और हमें इन गलतियों को सुधारना कैसे है, तो इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो पहली मिस्टेक क्या है? स्टार्ट स्टडिंग लेट। स्टूडेंट बोलते हैं, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट की ये सोच होती है कि सोशल साइंस ही तो है, बाद में जब एग्जाम आएगा तब कर लेंगे, तो वो इसी सोच को लेकर के और वो लेट 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 किए जाते हैं। तो बच्चे, मेरा कहना ये है कि आप जितनी जल्दी उसको स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे और आपको रिविजन करने का मौका मिल जाएगा। मिस्टेक नंबर टू क्या कहती है? कलेक्ट मैनी रिसोर्सेस। जैसे एग्जाम आते हैं, बच्चे इधर से भी नोट्स कलेक्ट करते हैं, इधर से भी बुक ले लेते हैं, इधर से भी बुक लेते हैं, एग्जाम आइडिया है ये वो, बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं और इतने सारे सोर्सेज इकट्ठा करने पर उनको वो चीज बर्डन लगने लगती है। तो वो एक तरह का वो जो बोझ है वो हमें बोझ क्रिएट नहीं करना, हमें क्या करना है, स्मार्ट तरीके से अपनी स्टडी को लेकर चलना है। राइट, तो हम स्मार्ट तरीके से हम स्टडी हार्ड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टडी स्मार्ट करेंगे। राइट, तो हमें क्या करना है, बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठा ना करके हम थोड़े सोर्सेज इकट्ठा करेंगे और वहां से इंफॉर्मेशन जो मिलती है हमें उसको गेन करना है। ठीक है, वही हमें हमारे दिमाग में रिटेन रखना है। नेक्स्ट आता है मेमोराइजिंग। तो स्टूडेंट, सोशल साइंस जो है वो रटने से कभी नहीं आती है, उसको समझ के याद करना पड़ता है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, स्टडी हार्ड बट क्या करना है, उसको स्मार्ट तरीके से करना है। आप हार्ड भी करो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टडी हार्ड करो, तो हार्ड करने का मतलब ये नहीं कि आप रोट लर्निंग उसमें स्टार्ट कर दें। तो आपको क्या करना है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको समझ के हर चैप्टर को समझ के और ये काम करना है, जिससे कि जो समझ होगी आपकी वही समझ अप्लाई करोगे आप अपने एग्जाम में। क्लियर, तो आपको क्या करना है, रोट लर्निंग नहीं करनी, आपको स्मार्ट तरीके से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है नोट्स मेकिंग। तो बच्चे एसएसटी सोशल साइंस पढ़ते टाइम ना नोट्स मेकिंग बहुत ही कम बच्चे करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कोई बच्चा नहीं करता, करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं लेकिन बहुत सारे नहीं भी करते हैं। तो बच्चे, स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े चैप्टर होते हैं तो वो इतने बड़े बड़े चैप्टर तो हम लर्न नहीं कर सकते। तो वाइल यू आर स्टडिंग और रीडिंग द चैप्टर्स, तो आप क्या करो, उसमें से मेन मेन पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिए। उन नोट्स से फायदा क्या होगा कि जब भी आपका एग्जाम आएगा तो आप उसको गो थ्रू कर लेंगे और पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, स्मार्ट तरीके से नोट मेकिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिवीजन। राइट, तो इतना वास्ट सिलेबस होता है सोशल साइंस का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, तो ये बहुत सारे सिलेबस होते हैं, उनमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। राइट, तो ये चैप्टर्स हमने सब कुछ कर लिया, रीड कर लिया हमने और इसको रोट लर्निंग के थ्रू ना करके हमने समझ के कर लिया। तो बच्चे, जब सारी चीजें हो जाती है तो हमारा फाइनल जो पॉइंट होता है वो आता है रिवीजन का। राइट, तो हम जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे, हर चीज को रिवाइज करते चले जाएंगे, तो वो चीजें उन चीजों में परफेक्शन आती चली जाएगी। कहावत सुनी भी होगी ना आपने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही परफेक्शन आपको लेकर आनी अपनी स्टडी में, और ये कब आएगी, जब आप उस चीज को बार बार करोगे। तो यही कहता है रिवीजन। ठीक है, तो आप रिवीजन करेंगे और जैसे कि सब लोग बताते हैं कि आपको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, इतना टाइम आपको इस सब्जेक्ट को देना चाहिए, इतना टाइम, नो डाउट बच्चे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ोगे ना तो सारी चीजें स्मूथली होती चली जाएंगी। राइट, तो ये था जो बच्चे अक्सर सोशल साइंस की प्रिपरेशन करने में गलतियां करते हैं। और मुझे पता है, पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलतियां नहीं करेंगे और जो जो गलतियां मैंने बताई है आप उस पर फोकस करेंगे, उन गलतियों को देखेंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात थी। अब जो बच्चे 9th से 10th में आ गए हैं और 10th से 11th में आ गए हैं, तो उनके लिए अड्डा 24/7 ने बैच को लॉन्च कर दिया है और उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट कर दिया गया है, 17% का डिस्काउंट कर दिया गया। और भी ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा Y489। तो ये कोड जब आप अप्लाई करेंगे, कौन सा, Y489, मैं लिखकर बता देती हूं ताकि आप भूलो ना। ठीक है, तो ये अप्लाई करेंगे, कोड अप्लाई करेंगे Y489। राइट बच्चे, तो ये जो Y489 जब आप कोड अप्लाई करोगे तो इस पे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, 17% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, साथ साथ में जब आप ये जब कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब चलते हैं आगे पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे की कहानी पर। तो आगे की कहानी क्या कहते हैं कि अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं आते, फाइनल एग्जाम नहीं आते हैं, तब तक हम आपकी प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। लेकिन वो प्रिपरेशन
तब होगी जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने का मैम बेनिफिट क्या होगा, तो ये सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको, डेली क्विजेस मिलेगी, चैप्टर वाइज क्विजेस मिलेंगे, पावर कैप्सूल दिए जाएंगे, नोट, आर्टिकल्स और वीडियो, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही इस चैनल पर, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।